ये जो खाने का जो वितरण हो रहा है, ये विश्व हिंदू महासंघ परिवार की तरफ से, विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम पूज आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनकी ये सब हम सब सिपाही हैं, उनके आदेशानुसार ये जो खाने का हम लोग वितरण कर रहे हैं, ये गरीब लोगों के लिए जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, गरीब बेचारे परेशान हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के उसमें, तो ये हम सब उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये विश्व हिंदू महासंघ पूरा परिवार, जिसमें हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हैं नीरज पटेल जी, संभाग प्रभारी हैं श्री अमर सिंह गंगवार जी, जिला प्रभारी हैं बबलू मौर्या जी, और महानगर प्रभारी हैं मनोज मौर्य जी, और जिला उपाध्यक्ष हैं देवेश पटेल जी, और हमारे साथ में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो उनके साथ में एक समूह के साथ में हम जो है विश्व हिंदू महासंघ की ओर से ये गरीबों के लिए भोजन वितरण, जिसकी आज लिमिट रखी है हम लोगों ने 500 से करीबन 800 लोगों के लिए, ऐसे प्रतिदिन हमारा जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक प्रतिदिन हमारा ये भोजन गरीब लोगों के लिए पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा कच्चा अनाज भी? नहीं, कच्चा अनाज तो हम वितरण करेंगे, लेकिन उसमें क्या, किसी घर में गैस नहीं है, किसी घर में चूल्हा नहीं है, किसी घर में हल्दी नहीं है चाव, तो उसके लिए हम ये पका हुआ खाना बनवा करके अपने उसके हिसाब से हम ये खाना गरीब लोगों के लिए वितरण कर रहे हैं। अच्छा, ये रसोई का नाम जो रखा गया है हमारा सीताराम रसोई, विश्व हिंदू महासंघ, उत्तर प्रदेश बरेली। आप आ जाओ, उठ के आ जाओ, हो जाएंगे बस बस बस। हाँ, और अंदर बैठे नहीं आओ।